कि नायगरा के ताजमहल आ ना दिल्ली के लाल किला में आ जौन मजा तोरा कहीं ना मिलल हुई करे जा वो मजा मिली। एक बार आवा हमरा बेतिया जिला में। यारे तीने गो वसूल हा हमरा जिला के, पहला आवेदन, दूसरा निवेदन और तीसरा ना माने तो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं बेतिया, और बेतिया हम लोग जा रहे हैं एक कॉमेडियन से मिलने जिनका नाम है, अति नाम है, कॉमेडियन नहीं है, शायरी मारते हैं बेतिया पे बिहार पे। अच्छा, शायरी मारने वाले हैं, तो हम लोग जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। कथिन नाम है? केडी पटेल। केडी पटेल पूरा नाम कुछ होगा, शॉर्टकट में केडी पटेल। फिलहाल अभी हम लोग साइकिल से हैं, देख सकते हैं दो आदमी जा रहे हैं लोग, मतलब साइकिल से नहीं जाएंगे, चौक पे साइकिल को रख देंगे और वहाँ से जो है बस से जाएंगे, क्योंकि साइकिल उतना दूर दो आदमी का लोड लेकर सकेगा नहीं, साइकिल का स्थिति डैमेज है और टाइम भी बहुत लगेगा, बस से जाने में कम टाइम लगेगा, बहुत बुरा स्थिति है साइकिल का, लगभग 20 किलोमीटर। तो चलिए अभी आप लोगों से मिलते हैं। कि अबकी के होली में बुरा तुहार हाल हो जाई, जा एक बार आओ हमरा बेतिया जिला, तुहार ऊपर से नीचे ले, पूरा सिस्टम लाले लाल हो जाई, बुझाएल। अच्छी होली गाइस, फाइनली इधर बस आ गया है, आप लोग देखिए, और अभी हम लोग बस से चल रहे हैं। और रुकिए जी, क्या हुआ, वीडियो बना रहे हैं? हम नहीं चलेंगे, हम शाम में आवे थे ना, उतना से नहीं बोले थे कि हां। फाइनली गाइस, बेतिया पहुंच चुके हैं और इसी बस से आए हैं, ये बस देखिए, अब हम लोग चलते हैं देखने, बसवरिया में उनका घर है, अभी हम लोग उनको खोजते हैं। गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ दो शख्स हैं, और एक का नाम है, इनका नाम जो केडी पटेल, इनका आईडी है इंस्टाग्राम आईडी, और उनका नाम है हिमांशु डांसर, वो जो डांस करते हैं, और ये केडी पटेल है जो कि शायरी मारते हैं एकदम। तो इनके पास हम पहुंच चुके हैं, आप लोग देखे हैं वीडियो में कैसे कैसे हम लोग आए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं आगे क्या करना है। सबसे पहले तो स्वागत है मेरे ब्लॉग चैनल पर आपका, मेरा ब्लॉग चैनल का नाम है संजय प्रजापति ब्लॉग। देखिए संजय प्रजापति ब्लॉग से जितने भी भाई लोग और जितने भी चाहने वाले मेरे करेजा, यानी हम प्यार से अपने भाई लोगों को करेजा बोलते हैं, ऐसा नहीं किसी लड़की को बोल रहे हैं। बाकी ये भैया जैसे चल के मेरे पास आए, सबसे पहले मैं उस चीज़ को धन्यवाद इनको देना चाहूँगा कि जैसे भी मेरे पास आए, बिना कि अपने पास नहीं बुलाए, मेरे पास आए, उस चीज़ को सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा इस भैया, इन भैया को। बाकी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी आगे भैया का सुनिए। और देखिए अभी हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं क्या है, पता नहीं होगा, हम बता रहे हैं ये नहर है, पीछे हम लोग दिख रहे हैं नहर है, और नहर के किनारे हम लोग बैठे हैं, ये ढलाई हुआ है, हम लोग इस पर बैठे हैं क्योंकि यहाँ पे मस्त हवा लग रहा है, और देहात में जहाँ हवा लगता है वहाँ हम लोग को बैठने में मज़ा आता है, और पीछे गाछ भी है, समझे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं वीडियो को। तो कैसे आप स्टार्ट किए वीडियो बनाना? देखिए सबसे पहले बात है कि जब आदमी स्टडी लाइन में था ना, उस वक्त भी छोटे थे लोग, उस वक्त भी बहुत मन करता था हम लोग को रील्स बनाने के लिए, छोटा छोटा मोबाइल था उसमें, घर पे ज़्यादा मतलब ये फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं था, उस समय हम लोग मतलब वीडियो बनाना शुरू के मतलब किए लोग, तो हम हिंदी में ना बोलें, ठीक बा भाई, गाँव के खाटी गाँव का लड़का बिहारी हैं, भोजपुरी हैं बोले, ओकरा खातिर क्षमा चाहते हैं जरा, समझ में ना भाई, बिहार वाला लड़का बरांड होला एकदम, ये बिहार आवो कबो खटाल पर, ये बात तो सुन लो के हम लोग ताई लोग भोजपुरी में आई लोग। देखिए तो सबसे पहले कि आदमी छोटा रहे उसमें वीडियो देखे ना, क्योंकि तो लाए कि भाई हमू वीडियो बनाए, तो घर से उतना सपोर्ट मिले ना, और सपोर्ट ऐसे ना मिले ना कि माने क्यों कि भाई गार्जियन के मतलब ये रहेला कि भाई हमारे लड़का पढ़ो लिखो आगे जाके कुछ मतलब अफसर बनो, चाहे इंजीनियर डॉक्टर चाहे कोनो भी मतलब अच्छा जॉब करो, हमारे घर पर बाप मतारी के वह सपना रहे, और ना हम सपना के रौंदनी ना ऐसे कुछ कहनी, लेकिन एक होकला ना बचपन के कीड़ा एक्टिंग के चाहे वीडियो बना के वे अंदर रहे, हमारा अंदर रहे वे टाइप के बस कीड़ा रहे, तो हम वीडियो बनावत रहनी शुरू में, तो हमरा उस अभी पता ना रहे वायरल का हो चाहे ई चीज़ का हो, आदमी कुछ लाइन में था नहीं, बाकी वीडियो देखता था, तो वीडियो देखा था, ओकरा बाद हमनी के जैसे तैसे मैट्रिक कम्प्लीट भेल, इंटर कम्प्लीट भेल, ओकरा बाद आदमी टोटली वीडियो लाइन में ध्यान देवल स्टार्ट कर दिलक, वीडियो बनावत गईनी, बहुत तरीका के वीडियो बनैनी, सैड रोमांटिक प्यार मोहब्बत वाला बहुत वीडियो बनैनी, लेकिन अब का कहीं, एक बिहारी सौ पर भारी, हमनी के बिहारी ऐसा प्यार मोहब्बत ये सब हमनी पर सूट ना करेला एकदम काटा चली ठाए ठाए, अब बिहारी के नाम तो सुनते बानी लोग, तो वे बात बा, एगो रंगदारी डायलॉग बनैनी अपना जिला के ऊपर, बेतिया जिला के ऊपर बनैनी, भाई लोग बहुत सारा प्यार दिल लोग हमरा के, तो हम जिला खातिर वीडियो बनाए लगनी, बस अपना भाई लोग खातिर वीडियो बनाए नहीं,
बिहार खातिर वीडियो बनाए नहीं, और हमेशा ही प्रयास रहेला कि अपना जिला बिहार के नाम थोड़ा ऊपर लेके जाएं, टॉप लेवल पर दिखाएं वीडियो के थ्रू। अच्छा, अभी तक जौन बा सबसे ज़्यादा फॉलोअर कहाँ तक पहुँचल बा, कौन है सोशल मीडिया पर? ना हम सोशल मीडिया से कमाए के पर्चस से वीडियो ना बनाए नहीं, पहलका बात तो ये बा। यूट्यूब फेसबुक पर हम ज़्यादा ध्यान ना देवे नहीं, नॉर्मलिटी मेरे फैंस बोलते हैं, मेरे फैंस नहीं भाई करेजा लोग हमारे बोले ला कि भैया फेसबुक यूट्यूब पर डाले तो डाल देवे नहीं कबो कबो, लेकिन इंस्टाग्राम पर हम प्रॉपर डाले नहीं वीडियो ऐसे कि इंस्टाग्राम पर सारा भाई लोग हमरा के फॉलो कर ले, अपना भाई का हमेशा देखेला। इस चीज़ से इंस्टाग्राम पर हमार भाई लोग के आशीर्वाद दुआ सपोर्ट से 50,000 बानी लोग भाई लोग के साथ प्यार मोहब्बत बा। अभी तक 50,000 फॉलोअर कंप्लीट है इंस्टाग्राम पे। फॉलोअर्स तो पहले मत बोलिए, फॉलोअर्स तो बिल्कुल मत, भाई। हाँ भाई करेजा, हाँ 50,000 करेजा बढ़ा लोग। अच्छा, तो करेजा लोग खातिर कुछ हो जाओ एकदम हमेशा बोल बात आजो हुई। तो चलिए इनसे शायरी सुनते हैं क्योंकि ये शायरी स्टार है, तो सुनाइए। देखिए, सबसे पहले तो इंसान को अपना असलियत कभी नहीं भूलना चाहिए, कबो ना भूले के चाहिए। तो हमारा जो सबसे पहला जब पर हमारा प्यार मोहब्बत मिलल बा वो हमारा जिला पर बा, तो हम ओकरा के हमेशा अपना सर पे रखे नहीं। तो कुछ ऐसा डायलॉग रहे वो कि ना आगरा के ताजमहल आ ना दिल्ली के लाल किला में आ जौन मजा तोरा कहीं ना मिलल हुई करे जा वो मजा मिली, एक बार आवा हमारा बेतिया जिला में। वाह, यही था मेरा फर्स्ट शायरी जो बेतिया पे वायरल हुआ था। और बाकी एक होली पर एक बहुत अच्छा खासा भाई लोग के प्यार मिलल, 1-2 मिलियन भाई लोग के प्यार मिलल, और उन लोग के आशीर्वाद से ट्रेंडिंग में भी बा। तो कुछ ऐसा बा बिहार खातिर, बिहारी तो बिहार खातिर बोलबे करम सन, तो कुछ ऐसा बा भौजाई लोग पे बा, चाहे करेजा मान लो जेंगे माना लोग, हाँ कि आगे के दरवाजा बंद करो चाहे पीछे के, अगर हमनी के चाह दिसन तो तू कहीं रंगा जेबू, आ बिहार के लड़का से बच के रहिए करेजा, न तो कट्टा के नोक पर टांगा जेबू बुझाइल, ये नहरी के पीछे लिया हम सने के दिन। जरे वाला जरते रहो सन आ हमार फॉलोअर्स बढ़ते रहो, तो फॉलोअर्स ना बस लोग के नज़र में फॉलोअर्स दिखेला, हमारा नज़र में फॉलोअर्स ना करेजा, लव यू करेजा लोग, का कहीं तू लोग खाती भाई, तू लोग बाड़ा तो हम बानी, हम एक गो बात जानते नहीं कि 50,000 करेजा बाड़ा लोग तो ये केडी पटेल बाड़न, बाकी रउआ लोग के आशीर्वाद बा तो कबो दाड़ेम कहीं दाड़ेम, जय बिहार जय बिहारी। और कुछ का बताई में रउआ कैसन सुने के चाहतनी, हमार पब्लिक तो रंगदारी सुनेला लेकिन राहुल पब्लिक का सुने के चाहत, जैसन सुनाइएगा वैसन सुनेंगे सभी लोग, वैसन सुन बोलो। हाँ, काहे कि हमरो के चाहे वाला कुछ ऐसने लोग बा कि संजैया जौन चाही उहे उ लोग चाही। अरे बाप रे बाप, ये बात बा, कुछ ऐसन के बात बा कि धोखा खाए खातिर भी एक बार मोहब्बत करे के पड़ेला, जौन आज तक ना भइल बा ना कबो होई, भाई के भर भर के प्यार दी लोग, भैया बहुत मेहनत करेनी, बहुत ज़्यादा मेहनत करेनी, ई कैसे हमरा पास चल के आएल बानी नू उ चीज़ हम लोग वाला उनके बोल के नहीं बता सकत, बाकी यहाँ के आएल बानी उ चीज़ के तहे दिल से हाथ जोड़ के यहाँ के धन्यवाद करत हनी बिहार पर कि पिस्टल के नोक पना चाहिला। भाई लोग के बहुत प्यार मिलल उ गाना पर, तो वही तरह एक और गाना नया भोकाल लेके बहुत जल्द आवे वाला बानी, भाई लोग के प्यार मोहब्बत मिली एकदम पूरा सब हमरा। देखिए, ये भी एक समय है कि हम लोग अभी नहर के आँच पे बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, हमारे गांव में आए हुए हैं, एक समय आएगा कि भाई चेयर पे बैठे होंगे। नहीं नहीं नहीं, इस जमीन से जुड़े हैं और इस जमीने पर रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस मिट्टी के लाल हैं हम लोग भाई, इस सोना जन्म लेला जाओ ना गोद से उ गोद के लाल हई, आ ई बात कबो मत भूलिए भाई हमार कि हमू एगो बिहारी हई, जय बिहार जय बिहारी। तो ऐसा ही करके इनका हमेशा वीडियो रहता है, आप लोग इंस्टाग्राम पे केडी पटेल सर्च कीजिएगा, पटेल 09 केडी पटेल 09 सर्च कीजिए इंस्टाग्राम पे, भौकाल मचा रहे हैं अभी के समय में, और ऐसे ही शायरी सुनने के लिए इनको फॉलो करिए एकदम तगड़ा। चलिए, जय हिंद।